एवरीवन, वेलकम टू अभ्यास क्लासेस। मायसेल्फ शिवम कुमार, और आज हम लोग फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत स्पेशल होगा आप लोगों के लिए। ये है एलसीएम पे हम लोग सीखेंगे आज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एकेडमिक क्लासेस के लिए भी, साथ ही साथ हम लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहां पे बहुत ज्यादा इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग करते क्या है, कैसे हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपको बोला गया है 60 और 24 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। चलिए करते हैं। 16 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, और 2 के टेबल में ये कितना आ गया, 2 टाइम्स में। दैट मींस 16 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 into 2 into 2 into 2, that means it become 2 to the power 4, है ना? 16 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4. Similarly, हम लोग 24 का एक prime factorization करेंगे। 24 2 के table में आता है 12 times में, फिर आप 2 से divide कर लो 6 times में, फिर 2 से 3, है ना? तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं, 24 can be written as the product of 2 into 2 into 2 into 3. That means 2 to the power 3 into 3. देखिए, आप prime factorization कर चुके हैं, अब आपको mainly जो find करना है वो LCM find out करना है 16 और 24 का। देखिए, LCM क्या होगा, देखिए ध्यान से, यही important method है यहाँ पे। जो भी आपको common base दिख रहा है, सबसे पहले आप लोग उसको देखो। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, common base है आपका, है ना? तो आप उसको note कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 पे जो highest power है, यहाँ देखिए पावर आपका 4 आ रहा है, यहाँ पे पावर 3 आ रहा है। 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4, तो हम लोग लेंगे हाईएस्ट पावर 2 into 2 to the power 4। उसके बाद जो चीज कॉमन नहीं है उसको भी हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे देखिए 3 यहाँ है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आया 2 to the power 4 कितना होता है 16, 16 into 3 कितना आएगा 48। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा 16 और 24 का 48। अगर आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैं डेम श्योर हूं आप बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए भी आप 16 और 24 का एलसीएम डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है 25 और 35 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 25 का सबसे पहले हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आया 5 के टेबल में 5, बहुत ही छोटा छोटा हम लोग एग्जांपल लाके ले रहे हैं सीखने के लिए। तो 25 can be written as the product of 5 into 5, that means 5 to the power 2. अब यहाँ देखिए 35 का prime factorization करेंगे, बहुत ही छोटा example है। ये आया 5 के table में 7 times, यानी 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 5 into 7। तो देखिए इसका LCM क्या होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, है ना? LCM क्या होगा, सबसे पहले मैंने बोल चुका है कि सबसे पहले कॉमन बेस को लेना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 पे जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2, जो कॉमन नहीं है उसको भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जैसे यहाँ पे 7। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 25 × 7। 25 × 7 कितना आता है, 175 विल बी द एलसीएम ऑफ 25 एंड 35। ठीक है, चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर है जो ऑलरेडी हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, अब हम लोग डायरेक्ट उसका एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। देखिए, जैसे कोई नंबर था 8, उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये चीज आया। कोई नंबर बी था जिसका हम लोग ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये चीज आया। चलिए हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ सबसे पहले कॉमन बेस देखना है। यहाँ देखिए कॉमन बेस क्या है, 2, और यहाँ भी है 2। हम लोग क्या लेंगे, 2 पे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है, इधर है आपका 2 और इधर है आपका 3, 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3, तो ये हो गया 2 पे पावर 3 इनटू, फिर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ 3 और यहाँ 3, कॉमन बेस दिख रहा है 3, 3 की पावर 2 है, है ना, 2 ही हम लोग ले लेंगे, दोनों इक्वल है यहाँ पे पावर इनटू। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पावर, यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे भी बेस 5 है, जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे, तो ये हो गया 5 पे पावर 4। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा वही आपका एलसीएम होगा इस दोनों नंबर ए और बी का। सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कोई नंबर एक्स और वाई को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद ये चीज आपके सामने आया है। ठीक है, तो
अब देखिए यहां पे जो एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिमिलरली मेथड, देखिए सबसे पहले आपको कॉमन बेस देखना है, यहां कॉमन बेस क्या दिख रहा है आपको 2, 2 पे हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर यहां क्या दिख रहा है 3 और 4 में हाईएस्ट पावर आपका क्या है 4 है, ये रहा आपका 4 इनटू, फिर देखिए यहां पे 5 कॉमन आपको आ रहा है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, दो इत्तेफाक से दोनों पे पावर आपको 5 पे पावर क्या है 1, तो यहां पे हम लोग 5 ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बोल चुका हूं जो चीज कॉमन नहीं है उसको भी आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे देखिए यहां पे ये 3 और ये 7 आपका कॉमन नहीं है दोनों में, वो भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 7, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा x और y का एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, p और q, देखिए p को प्राइम फैक्टराइज किया गया है तो ये आपको मिला है, q को प्राइम फैक्टराइज किया गया है तो ये आपको मिला है, सिमिलरली एलसीएम आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एलसीएम होगा सबसे पहले कॉमन बेस देखना है, कॉमन बेस यहां पर 3 है, हाईएस्ट पावर देखना है, पावर यहां पर हाईएस्ट 4, सिमिलरली देखिए यहां पे बेस 5 है, यहां पे बेस 5 है, हाईएस्ट पावर यहां पे आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर दिख रहा है 6 और 4 में हाईएस्ट क्या है 6, तो यहां पे हम लोग पावर लेंगे 6 इनटू, और यहां देखिए कॉमन बेस क्या है 7, 7 पे हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है 2, तो ये हो गया आपका 2। अब इसके बाद क्या करना है, जो चीज कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हो 11 और 13 ये जो है कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 × 13, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो दैट इज बिकम द एलसीएम ऑफ दिस पी एंड क्यू। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर फिर भी आपको कुछ किसी तरह का डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और चाहे तो आप वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद।